सबको शुद्ध जल मिलता पीने को। मैं तो सिर्फ पर्सनल नहीं लगवा रहा था, पूरे समाज के लिए लगवा रहा था ये मशीन। ये मैं अपनी माता जी के स्मृति में लगवा रहा था ये मशीन। आज कहीं भी मंदिरों में जाओ, सब जो दानी है उनका नाम प्लेट लगा हुआ है। लेकिन इस मठिया में बोलते हैं कि नाम प्लेट नहीं रहेगा, आप ऐसे दान करो। तो मैं ऐसे दान नहीं करना चाहता था। गोलागतनी समाचार बटुए सिमरी शेरी खबर के हेडलाइन बटुए कि एगो सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा मंदिर के मठ में लगावल जात रहे प्याऊ और सामाजिक तत्व कैले तोड़फोड़। खबर का बटुए विस्तार से जानी। एगो पुरान कहावत है कि खाई न खाए देव आ खेलब बिगाड़ देव, यानी ओकरा केहू तरीका से कह सकिला कि खेलब न खेले देव आ खेलब बिगाड़ देव। ऐसने एगो मामला आयल बा बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड से, जौन कि नियाजीपुर स्थित राम जानकी मंदिर मठिया में एगो संजय पाठक व्यवसायी बने, जौन कि कलकत्ता में रह के अपन कपड़ा के व्यवसाय करेलन। इनकर माई के पुण्यतिथि रहे, पुण्यतिथि पे सोचलन कि काहे ना मठिया जौन बटुए यही जवा शुद्ध जल के प्याऊ के व्यवस्था अपना देने से कह दी। एकरा खातिर प्याऊ लेके अलें ओजा से लगभग 1.5 लाख रुपया के प्याऊ आऊ लगावे के काम शुरू कैलें। ओकरा अलावे अपन माई के नाम के एगो बोर्ड लगा दिलें। बस बोर्ड लगावल का भइल आ सामाजिक तत्व के द्वारा इनका के रोक लगा दिया गई आ कहल गई कि प्याऊ लगाव लेकिन एजा बोर्ड ना लागी। जेकरा बाद संजय पाठक ये आरो मशीन के निकाल के अपना घर ले अलन। आगे का कहलन ई पाठक जी रोरा खुद सुनी, लेकिन बड़ा सवाल ये बटुए कि एगो लोग मंदिर में मठ में दान करत बड़ुए ताकि लोग के ओसे निवान होखो, प्यासा के पानी मिले, भूखा के भोजन मिले। लेकिन ऐसन ऐसन लोग आ सामाजिक तत्व बड़न जौन वो सब काम को पानी फेर देता रह। ऐसने मामला आइल बा नियाजीपुर से। कई गो ऐसन मंदिर बटुए जहाँ डोनेट करे वाला दान करे वाला धर्मशाला के जे प्रोपराइटर बटु ओकर नाम अंकित रहेला, लेकिन यह मंद बुद्धि लोग के समझाओ। इस सामाजिक कार्यकर्ता ही सोचले कि माई के पुण्यतिथि पर कम से कम मंदिर में आरो एगो प्याऊ लगा दी, जौना से केहू के शुद्ध पानी मिलत रहे जे भी भक्त आवे। लेकिन एजा के असामाजिक तत्व इनकर माई के नाम के बोर्ड कबार के फेंक दिए। जेकरा बाद सूचना बटुए कि जौन व्यवसायी बने ई टोटल आरो प्लांट वापस ले लें। ले अला के बाद अब ई पुनः अपन व्यवसाय में कलकत्ता जा चुकल बढ़न, लेकिन जात जात भोजपुरिया समाचार के बयान देखे गुल बढ़े। रोरा बयान सुनी, कमेंट करी, खबर बताई कि हमें का होके के चाहिए रोरा से अनुसार, आ शेयर जरूर करी ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के दमक बनल रहे। सुनी बयान शेयर। मेरा नाम संजय पाठक है, मेरे पिताजी का नाम श्री शिवदानी पाठक है। मैं अपनी माता जी के स्मृति में एक मठिया पे, हम लोग का गांव का मठिया है, वहाँ पे एक तो पेयजल का व्यवस्था करवाने का इच्छा था। सार्वजनिक जगह है वो, कि जनता जनार्दन के लिए ये काम हो जाए, सबको जल पिए, शुद्ध जल। इसके लिए मैं नोएडा से ये मशीन मंगवाया था ब्लू स्टार का। 31 तारीख को ये मठिया में काम स्टार्ट हुआ है, कोई मेरे को बोलने नहीं आया। जब 3 तारीख को ये सारा काम ख़त्म हो गया, सारा काम लग चुका था मठिया में, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व लोग आए और आके बोले सिर्फ कुछ नहीं, नेम प्लेट नहीं रहेगा। मैं अपनी माता जी के नाम से एक नेम प्लेट बनवाया था, स्वर्गीय श्रीमती किरण पाठक जी के पूरे स्मृति में श्री शिवदानी पाठक पति और पुत्र श्री संजय पाठक मितुल पाठक ने इस प्याऊ का निर्माण करवाया है, और इसमें कुछ नहीं था। वो लोग बोले कि इस मठ में, इस मठिया में कोई भी नाम प्लेट नहीं रहेगा, ऐसे आप लगाइए। मैं बोला सर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हर मंदिर, हर जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष पे, जो भी दान करते हैं वहाँ पे उनका नाम लिखाया जाता है, इस नाम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग बोले नहीं। तो मैं बोला ठीक है भैया, मैं मशीन नहीं लगाऊंगा। मैं मशीन निकाल के रख दिया। आज मेरा पैसा खर्चा हुआ, मेरा समय खराब हुआ। मैं अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि सर इसको आप संज्ञान में लो, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करो कि ऐसा क्यों। मठ और मठिया और शिवाला पूरे गांव का होता है, ये नहीं कि किसी एक प्रत्येक आदमी का होता है। मठिया और शिवाला पूरे गांव और पूरे समाज का होता है। मैं पूरे समाज के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन मुझे रोक दिया गया इस कार्य के लिए।
इस कार्य के लिए रोक दिया गया था। आज ये मशीन लगता तो सबको शुद्ध जल मिलता पीने को। मैं तो सिर्फ पर्सनल नहीं लगवा रहा था, पूरे समाज के लिए लगवा रहा था ये मशीन। ये मैं अपनी माता जी की स्मृति में लगवा रहा था ये मशीन। आज कहीं भी मंदिरों में जाओ, सब जो दानी है उनका नाम प्लेट लगा हुआ है। लेकिन इस मठिया में बोलते हैं कि नाम प्लेट नहीं रहेगा, आप ऐसे दान करो। तो मैं ऐसे दान नहीं करना चाहता था। मेरी माँ का स्मृति वहाँ लिखना चाहिए था। आज मैं 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा किया इस चीज़ के लिए। मेरा देखिए सारा सामान, मैं तो गुनाही माना जा रहा है। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ। मैं कलकत्ता से इस मशीन को लाया था कि इस गाँव का में कुछ विकास हो। लेकिन इस गाँव के कुछ सामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस गाँव का